वेलकम दोस्तों, आप देख सकते रहेंगे ये जो है सेमी सील्ड कंप्रेसर है, ये रूफटॉप मॉडल पैकेज यूनिट हो गया या फिर डीएक्स यूनिट हो गया, ज़्यादातर बड़े बड़े एचवीएसी यूज में यूज होते हैं या चिलर प्लांट में, एयर कूल चिलर या वाटर कूल चिलर में सब यूज होते हैं, बड़े बड़े जो सिस्टम रहते हैं। इसके पार्ट जो है ज़्यादातर कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, इसमें भी सक्शन डिस्चार्ज रहता है और भी जो भी मैकेनिकल पार्ट रहते हैं नॉर्मल एसी में। ये जो है नॉर्मल आप कह सकते रहें कि सेमी सील्ड कंप्रेसर है। इसका टर्मिनल कनेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको जो है तीन जो थ्री फेस रहते हैं वो तीन वायर देखने को मिलते हैं और दो वायर जो रहता है ओवरलोड के रहते हैं नॉर्मल। इसका और भी इसके बारे में डिटेल्स में डायग्राम के माध्यम से भी जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, इसका पार्ट्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं, पूरा जानकारी देखना सीखना चाहते हैं तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। क्योंकि हमारा कोशिश यही रहता है जो नए टेक्नीशियन रहते हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिकली चीज़ें थ्योरेटिकली चीज़ें जान सके, देख सके, समझ सीख सके। ये ब्लैक और ब्लू है वो जो हमारा ओवरलोड के लिए है और यहाँ से तीन फेस रहता है। तो अभी हम इसको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे और इस कवर पर इसका कनेक्शन जो दिया हुआ है अलग अलग मेथड से तरीके से दिखाया गया है तो आपके लिए आसानी रहेगा समझने को। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा कंप्रेसर है, ये देख सकते हैं कंप्रेसर का यहाँ पर देख सकते हैं हाई प्रेशर, ऊपर का जो एरिया हाई प्रेशर है, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन है, उसके बाद पीछे से एरिया जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये लो प्रेशर कॉइन है, यहाँ से ये जो वाल लगा हुआ है और उसके बाद ये सक्शन वाल है पीछे साइड से, ये मोटर का कवर है पूरा होल्स है और ये साइड ग्लास नीचे लगा हुआ है, ये पंप कवर है पीछे से, पंप कवर है, पंप इंड बैरिंग्स लगा हुआ है, साइड ग्लास है, ऑयल ड्रेन के लिए है। ये तो मैकेनिकल सिस्टम है लेकिन यहाँ पर हम आप लोग को थोड़ा बता देते हैं इसका वाइंडिंग जो है। यहाँ से देख सकते हैं टू स्टार्ट करने के लिए आता है, तीन फेस है, तीन टर्मिनल था, एक है रन स्टार्ट, एक कॉमन। ये टर्मिनल आप देख सकते हैं तीन दो चार, यहाँ पर जो है पावर दिया हुआ है तीन दो चार के लिए। तो यहाँ पर एक फेस जो आ रहा था ये रन स्टार्ट कॉमन के लिए आता है यहाँ पर, और यहाँ पर सर्किट देख सकते हैं टू सर्किट, यानी कि ये जो है हमारा इंटरनल ओवरलोड लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनलेट मोटर स्टार्टर सी नोट सेवन सिंगल फेस एक्सर्स द लाइन वन ओवरलोड, यानी कि यहाँ देख सकते हैं ये जो ओवरलोड के लिए यहाँ पर आता है, ये दो वायर है ओवरलोड के लिए है और ये तीन वायर जो है हमारा फेस के लिए है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्लियर जो है स्टार्टिंग डायग्राम है, यहाँ पर भी इसका टू स्टार्ट एल वन एल टू एल थ्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, सीधा पावर यहाँ पर आता है और दूसरा जो दो वायर आया है ये जो सर्किट कंट्रोल के लिए जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड लगा हुआ उसमें है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं जिससे सीधा सीधा है ये कनेक्शन डायग्राम है ओवरलोड के लिए यहाँ पर है। तो इस तरह से जो है इसका सेमी सील्ड का जो है कंप्रेसर है डायरेक्ट उसमें जो है तीन फेज जाता है और दो वायर जो आता है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए जाता है, देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कुछ सेफ्टी गोरा लिखा हुआ है ये सब के पूरा डिटेल्स हम दूसरा वीडियो बना देंगे, इसका सेफ्टी गोरा है क्या क्या है कैसे कैसे, लेकिन अभी आप बता दें इसका मैकेनिकल पार्ट जो यहाँ पर था ये भी हम आप लोग को दिखा देते हैं, डिस्चार्ज लाइन वाल को क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपने देखा है ये पंप कवर है, यहाँ पर ये पंप कवर है और यहाँ पर आपने जो देखा था ये जो हमारा लो साइड है, लो पॉइंट जो लिखा हुआ था लो साइड है, यहाँ पर गैस वगैरह चेक करने के लिए लो साइड है। और इसके पीछे जो है ये सक्शन वाल है, ये सक्शन वाल है और यहाँ पर ये जो ऊपर का है ये डिस्चार्ज वाल है, जैसा कि आपने यहाँ पर पिक्चर में देखा है, देख सकते रहेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे जो लगा हुआ है साइड ग्लास है और ये जो कनेक्शन दिया हुआ है हीटर के लिए है, इसका हम दूसरा वीडियो बना देंगे, हीटर का पावर कहाँ से कैसे आता है, कैसे वर्क करता है हीटर के लिए। तो अभी आपने देखा इसका कनेक्शन यहाँ से थ्री फेस का है डायरेक्ट यहाँ पर आता है और ये दो वायर जो हमारा ओवरलोड के लिए आता है। तो बाकी हम आप लोग कॉन्ट्रेक्टर से दिखा देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा मेन जो ब्रेकर है कॉन्ट्रेक्टर है ये 36 एम्पियर के लिए है और यहाँ पर टोटल यहाँ देख सकते हैं ये हमारा तीन वायर जो अंदर गया था कंप्रेसर के लिए गया था ये तीन वायर और यहाँ से ब्रेकर है, ये ब्रेकर से होकर के ये हमारा आता है यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर को, ये देख सकते हैं कॉन्ट्रेक्टर का सेम वायर है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है ये। और यहाँ से जो ये मेन वायर आता है यहाँ से मेन इन होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेन जो ब्रेकर है ये मेन ब्रेकर है, यहाँ पर देख सकते हैं मेन पावर है कंट्रोल का, यहाँ से जो है पावर तीनों डायरेक्ट जो आता है हमारा कॉन्ट्रेक्टर को आता है, कॉन्ट्रेक्टर से होकर के यहाँ से ब्रेकर को आता है और ब्रेकर से होकर के वापस जो है
ये हमारा डायरेक्ट कंप्रेसर को जाता है। उसके बाद आपने जो देखा था ब्लैक वायर और ब्लू वायर वायर दिखा था, दो वायर दिखा था, यहाँ से ये देख सकते हैं ये जो हमारा पीसीबी है ओवरलोड के लिए यहाँ से पीसीबी से जाता है, एक पीसीबी से जाता है और एक ब्लैक वायर जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वायर था, एक ब्लैक वायर जाएगा और यहाँ से ये वायर जा रहा था, दो जो हमारा ओवरलोड के लिए जा रहा था। और इसको कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए ये जो हमारे देख सकते हैं ओवरलोड से होते हुए HPLP से होते हुए सर्किट से कंट्रोल होकर के यहाँ पर आता है और ब्राउन वायर जो है हमारा डायरेक्ट जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते रहेंगे। इसका कंट्रोल का ये दो वायर है, क्वाइल का है, नीचे दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से इसका डिटेल्स में यहाँ से फेस हो गया और यहाँ पर हो गया। इस तरह से जो हमारा कंप्रेसर को डायरेक्ट जो है पावर जाता है। बाकी कंट्रोल के लिए वायरिंग के लिए हम दूसरा आप लोग को वीडियो बना देंगे, समझा देंगे किस तरह से इसका कंट्रोलिंग वायर है, कंट्रोलिंग पूरा जो सिस्टम का कंट्रोलिंग किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से कंट्रोल होता है इसका पूरा कनेक्शन, हमारा दूसरा वीडियो है आप वहाँ से देख सकते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। इसी तरह से जानकारी के लिए और भी सबके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे ऑन जरूर करें। ये वीडियो आप लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं खासकर नए टेक्नीशियन हैं वो लोग भी जान सके, देख सके, सीख सके। अगर आप ऑनलाइन कोई सभी टूल्स स्पेयर पार्ट्स इसी फ्रिज वॉशिंग मशीन का खरीदना चाहते हैं तो बहुत से स्पेयर पार्ट्स का ऑफर चल रहा है, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करके बाय कर सकते रहेंगे, देख सकते रहेंगे। तो ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कोई जानकारी मिला या नहीं मिला। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।